नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहा है और कोशिश होता है कि हर बार ऐसे नवरात्रों में कोई ऐसी साधना की जाए जिससे कि जीवन और सरल और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं आप लोगों को माँ चिंतामणि की साधना दे रहा हूँ, भगवती चिंतामणि की साधना, वो साधना है जिसको करने के बाद आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। इसका शब्दार्थ और भावार्थ ये होता है कि एक बार आपने इस साधना को कर लिया तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होगी, आपको धन और वैभव की कमी नहीं होगी, पराक्रम की कमी नहीं होगी, पारिवारिक सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऐसे तो नवरात्रों में बहुत तरीके की साधनाएं होती हैं, बहुत तरह के शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। 10 महाविद्या की साधना भी होती है, पिछले नवरात्रों में मैंने दी थी आप लोगों को। इस बार चिंतामणि देवी की साधना इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप सभी प्रसन्न रहो। जीवन में प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है और जब तक मन व्यथित रहे और आप परेशान रहें, किसी भी चीज़ की चिंता रहे, चाहे वो रोग की चिंता हो, चाहे धन की चिंता हो या पारिवारिक कलेश हो, तो भगवान पर ध्यान नहीं जाता है, साधनाएं भी नहीं होती। तो 9 दिन तक आप लोग ये साधना करेंगे, हाँ 9 दिन में एक तय संख्या तक आप लोगों को इसका जाप करना है, उसके बाद प्रतिदिन 2 माला इसका जाप करना है। तो साधना कैसे करेंगे, माँ भगवती देवी दुर्गा की मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने ही ये साधना होगी। और जो माँ भगवती देवी के पूजा का जो व्यवस्था मैंने आपको पहले बताया था वही होगा, उसको मैं संक्षेप में अभी बता रहा हूँ। संक्षेप में पूजा विधान बताने के बाद आप लोगों को मंत्र विधान बताऊंगा। तो माँ भगवती देवी की पूजा कैसे होती है, सबसे पहले खुद को आप शुद्ध करो, जो मंत्र है ओम अपवित्रो पवित्रो वा, उससे जल छीट लो, ठीक है। उसके बाद तिलक करो, फिर आचमनी से ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः 4 बार करो। फिर संकल्प लो कि हे माँ भगवती देवी चिंतामणि, मैं संकल्प लेता हूँ कि इस शारदीय नवरात्र में मैं पूरी निष्ठा के साथ आपकी साधना करूँगा और जीवन भर आपकी भक्ति करूँगा। इसमें अपना नाम, अपना गोत्र, अपना मूल, अपना स्थान ये बोलकर हाथ में एक पान का पत्ता, एक सुपाड़ी और एक द्रव्य जल और अक्षत ऐसा लेके माँ भगवती के सामने छोड़ देना। उसके बाद माँ भगवती देवी का आवाहन करना, जो कुंजिका में मंत्र है जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्मे ऐमकारी शिष्य रूपाय ह्रीम काली प्रतिपाली के क्लीमकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमोस्तुते, ऐसा बोलकर माता का आवाहन करके माता को जागृत करना। फिर माँ को आसन देना, ओम सर्व मंगल मंगलिय शिवे सर्वतो शादी के शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्री जगदम्बा चिंतामणि देव्यै नमः अस्थाने पुष्पानि समर्पयानि, और जो आसन है उस पर पुष्प रख देना। फिर माँ को पुष्प देना और उसके पुष्पांजलि समर्पयामि पुष्प देना। अच्छा, हर लाइन में श्री जगदम्बा चिंतामणि देव्यै नमः इसको जोड़ना। फिर जैसे जब माँ को पैर पे जल दोगे आसन देने के बाद, तो श्री जगदम्बा चिंतामणि देव्यै नमः पदयो पदम समर्पयामि जल दे दिया। फिर अर्घ देंगे तो अर्घ में क्या है, तो अर्घ में जल रखते हैं, उसमें थोड़ा सा चंदन, एक फूल और अक्षत देते हैं पानी में, और उसके बाद उसको ऐसे छू करके माँ को बोलना है, मतलब अर्घ को छुएंगे और बोलेंगे श्री जगदम्बा चिंतामणि देव्यै नमः हस्तयो अर्घयः समर्पयामि। फिर जैसे आचमनि देंगे तो आचमनि क्या होता है, जल में कपूर मिला करके देते हैं, तो उसमें फिर वैसे ही श्री जगदम्बा चिंतामणि देव्यै नमः आचमनम समर्पयामि, और वो जल माँ के पास देंगे। जो ऐसे मूर्ति पे ना दे करके जो सामने पुष्प दिया है ना उस पे देना चाहिए। स्नान के लिए स्नानार्थे जलम समर्पयामि, उसमें गंगा जल देंगे, ठीक है। उसके बाद सामान्य जल देंगे भगवती को, स्नान गंगा आश्मनम स्नाते
पूर्ण आचमन्याम जलम समर्पयामी, तो वो आचमनी हो गया, जब स्नान के बाद जो आचमनी होता है वो देंगे, उसके बाद क्या दूध से स्नान कराएंगे तो दुग्धम स्नानम समर्पयामी, दही फिर देंगे तो दही स्नानम समर्पयामी। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सब में श्री जगदम्बा चिंतामणि देव्य नमः बोलेंगे, ठीक है, दही स्नान तो दही स्नानम समर्पयामी, घृत स्नान तो घी दे करके घृत स्नानम समर्पयामी, मधु देंगे मधु स्नानम समर्पयामी, शक्कर देंगे तो शक्कर स्नानम समर्पयामी, गंडदोग देंगे तो चंदन और अगरु जल में मिला करके, और उसके बाद गंडोक मतलब कि स्नान के बाद समर्पयामी, फिर शुद्धोक देंगे मतलब गंगा जल देंगे थोड़ा सा, ठीक है, फिर आचमनी देंगे तो शुद्धोक स्नानार्थे आचमन्याम जलम समर्पयामी, तो आचमनी वाला जो जल पहले तैयार किया था वो देंगे, फिर माँ भगवती को वस्त्र देंगे वस्त्रम समर्पयामी, ठीक है, सौभाग्य सूत्र देंगे तो सौभाग्य सूत्र ना मिले तो एक नॉर्मल धागा लेकर के दीजिएगा, फिर चंदनम समर्पयामी, हरिद्र चूर्ण समर्पयामी, कुमकुम समर्पयामी, सिंदूर समर्पयामी, काजल समर्पयामी, उसके बाद बिलपत्र समर्पयामी, आभूषण समर्पयामी, फिर पुष्पमाला समर्पयामी, उसके बाद नाना परिमल द्रव्यम समर्पयामी, तो कुछ पैसा देंगे, सौभाग्य पत्रिका समर्पयामी, ये पूजा के दुकान में आपको मिलेगा, ठीक है, उसके बाद धूप दिखाएंगे तो धूप दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, श्री जगदम्बा चिंतामणि देव्यै नमः धूपम गृह्यपामी, दीप दिखाएंगे तो दीपम दृश्यामी, नवेद्य देंगे तो निवेद्यम निवेद्यामी ही, फिर ऋतु फल देंगे तांबू फल देंगे और अंत में दक्षिणा दे देंगे, तो ये माँ का जो पूजा विधि है वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद खड़ा होकर के प्रदक्षिणा करेंगे, फिर मंत्र पुष्पांजलि करेंगे, इसके बाद हाथ में एक फूल ले लेंगे और उसके बाद बोलेंगे ओम कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्, ओम वक्रतुंडाय विद्महे एकदंताय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, इसके बाद पुष्पांजलि का जो मंत्र है ओम नाना सुगंधा पुष्पानी, वो मंत्र पढ़ के भगवती को पुष्प दे देंगे, ठीक है, भगवती को प्रणाम करेंगे, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः, फिर क्षमा याचना करेंगे, ठीक है, इतना करने के बाद फिर ओम तत्सत ब्रह्मण अर्पण अस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः, इतना आपने कर लिया, उसके बाद पूजा शुरू करेंगे। देखो दीप का मंत्र मैंने एक दूसरा वीडियो में दिया था, जो दीप जलाना है ये सब मंत्र आप अलग से कर लेंगे, इसके बाद हम लोग मुख्य पूजा पे आएंगे, ठीक है, तो मुख्य पूजा क्या है, रुद्राक्ष की माला ले लीजिएगा, जो नवरात्रि का शायद इस बार 8 ही दिन पड़ रहा है, तो 8 दिन में आप विभाजित कर लीजिएगा 21,000 जाप, आपको 21,000 जाप करना है, मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम भगवती चिंतामणि सर्वार्थ सिद्धम देहि देहि स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम भगवती चिंतामणि सर्वार्थ सिद्धिम देहि देहि स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम भगवती चिंतामणि सर्वार्थ सिद्धिम देहि देहि स्वाहा, ठीक है, इसका जाप करके इसका दशांश हवन करेंगे दशमी के दिन, ठीक है, और उसके बाद कन्या को भोजन ब्राह्मण को भोजन तर्पण और मार्जन करेंगे, ये मंत्र उसके बाद आपका सिद्ध हो जाएगा, भगवती आपके साथ रहने लगेगी, लेकिन ये मंत्र पेंसिलिन की तरह है, पेंसिलिन में क्या होता है कि आपने पेंसिलिन इंजेक्शन लेना छोड़ दिया तो उसका इफेक्ट जीरो, फिर डे वन से फिर उसको लेना पड़ता है, वैसे ही एक बार जब इसकी सिद्धि कर लीजिएगा तो रोज 2 माला आपको इसका जाप करना होगा, 2 माला जाप करने से भगवती की कृपा आप पर हमेशा रहेगी और चिंता मुक्त आप रहिएगा, जीवन का जो मूलभूत स्ट्रगल है ना वो चिंता मुक्त होने के लिए ही होता है, और सिर्फ इस एक साधना से, कोई तंत्र मंत्र सिर्फ एक इस साधना से आप चिंता मुक्त हो जाइएगा, तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस नवरात्रि में इस साधना को जरूर कीजिए, यह आप सभी के लिए है, सभी गृहस्थ लोग घर में बैठ के इसकी साधना कर सकते हैं। अब आता हूँ अपने विषय पे, जिसको साधना का बेसिक सीखना है, 1 तारीख से नया बेसिक ग्रुप शुरू हो रहा है, पेड ग्रुप है, आप उसमें जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585, जिनको अगले साधना शिविर में आना है जो कि दिसंबर में है,
उसके लिए अभी एनरोलमेंट चालू हो गया है वेबसाइट पे हमारे। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी है तो मेरा वेबसाइट है www.aghortantrarahasya.xyz, उसमें अपॉइंटमेंट सेक्शन है, उसमें जाकर के आप मेरा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट फ़ोन पे बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudra@cm4 ये सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा, आप उस पर डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती देवी चिंतामणि आप सभी को चिंता मुक्त रखें, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश, आदेश।